We need to understand the essentials of a valid contract. Essentials means that what are the things that you will be looking in a valid contract. And what is a valid contract? For example, agreements to hote rehte hain, but the idea is ki agar aapne koi contract kiya aur एक बंदे ने उसका प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं किया जो उसने प्रॉमिस किया था. अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट को लेके जाते हो कोर्ट में. जब कोर्ट में लेके जाते हो तो कोर्ट एक्चुअली इसको सबसे पहले जो चीज देखेगी वो ये देखेगी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वैलिड नहीं है. इफ इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट इज गोइंग टू एंटरटेन इट. इफ इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट the court is not going to entertain it. So court kaise determine karegi ki valid hai contract ya nahi? By looking at these things, because these are the essentials of a valid contract. Now when you read different books, different notes on internet or something, you might not find 10 headings. 1 to 10 नहीं होंगी. हो सकता है उसमें कुछ लोगों ने 6 हेडिंग्स दी हो, कुछ ने 7 दी हो, तो दे कैन बी डिफरेंट. वो डिफरेंट किस लिए है? कुछ लोगों ने इनको मर्ज कर दिया होता है, कुछ लोगों ने इसको नहीं समझा होता कि इंपॉर्टेंट है, मिस कर देते हैं. बट हम इसमें 10 में सारी की सारी चीजें कवर करेंगे. वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर मोस्ट ऑफ दीज हेडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे सेपरेट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. लॉफुल कंसिडरेशन पे पूरा चैप्टर है. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पे, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट पे, एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट लीगल फॉर्मेलिटीज एज अ सेपरेट चैप्टर. बट यहाँ हम सिर्फ इसकी बेसिक्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए. जब हम चैप्टर्स की तरफ मूव करें तो हमें फिर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट हैज एटलीस्ट टू पार्टीज. व्हाई टू पार्टीज? बिकॉज वन पार्टी विल बी मेकिंग एन ऑफर एंड द अदर पार्टी विल बी एक्सेप्टिंग द ऑफर. अगर ये मैकेनिज्म नहीं है तो फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय सेपरेट पार्टीज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा. नाउ द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर और प्रपोजल विल बी नोन एज द ऑफरर. बंदा प्रपोजल कर रहा होगा, प्रपोज कर रहा होगा या ऑफर कर रहा होगा किसी चीज की, उसको ऑफरर कह देंगे. एंड टू होम द ऑफर इज बींग मेड will be known as offeree. So if I am asking somebody that I want to sell my car for 400,000, I am the offerer because I am making the offer. And jisko main offer kar raha hu wo offeree ho jayega. So there is an offerer and there is an offeree. One person cannot make an offer to himself. और जब तक ऑफर पे एक्सेप्टेंस नहीं आएगी या एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर नहीं होगी तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता. अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो फॉर्म आप समझ लें कि हो गया, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर 400,000 रुपीज to C and C accepts it. So A and C are actually making the contract. A is the offerer, C is the offeree. So pehla element jo hai, necessary element, that is that must be an offerer and there must be an offeree. Now, second thing is the intention to create legal relationship. When two parties enter into an agreement,
their intention must be to create legal relationship between them. Otherwise, there is no contract between them. आप for example किसी जगह अपने friend के साथ बैठे हैं, उसने आपका mobile phone देखा और वो कहता है कि बड़ा अच्छा मोबाइल फोन है, अगर तुम मुझे 1,000 रुपए का ये बेच दो तो. और आप उसको कहते हो नहीं कोई बात नहीं तुम फ्री रख लो. नाउ वन पर्सन मेड द ऑफर, द अदर एक्सेप्टेड इट, बट देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशनशिप. यू मस्ट बी जोकिंग और यू मस्ट बी saying it for the sake of courtesy. So, इसमें कुछ seriousness involved नहीं है. That means आप वैसे ही बात कर रहे थे. तो contracts के लिए it is important that you need to have the intention to create legal relationship. Intention नहीं है, otherwise कोई बात कर रहे हैं, so that's not considered to be an offer or acceptance or a contract. So when A is offering to sell his car for 400,000 rupees to C, and C accepts the offer and they are serious about it, knowing that if they will not fulfill the promise, the court can punish them, the court can make it enforceable. If this is the case, that they are serious and they have a complete understanding that if one of them is not going to fulfill it, he or she can face the consequences, that is the intention to create legal relationship. The third element is the lawful consideration. Two words, consideration and lawful. First of all, what is a consideration? Consideration means advantages or benefits moving from one party to the other party. For example, if one party is selling a house for 10 lakhs of rupees, एक पार्टी के लिए हाउस इज द कंसिडरेशन, जो बेनिफिट उसको मिलेगा. दूसरी के लिए 10 लाख रुपया, 10 लाख इज द कंसिडरेशन जो उसको मिलेगा. सो दीज आर द कंसिडरेशंस. सो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस सॉर्ट, इट इज फाइन, इट हैज द कंसिडरेशन. नाउ लेट्स लुक एट द अदर एग्जांपल, किलिंग अ पर्सन फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी. हमने यहां देखा मॉनेटरी कंसिडरेशन आर फाइन, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, दे आर लॉफुल, बट किलिंग अ पर्सन इज नॉट लॉफुल. सो कंसिडरेशन तो है दोनों तरफ से, बट वन कंसिडरेशन दैट इज किलिंग ऑफ अ पर्सन इज अनलॉफुल, इट इज नॉट लॉफुल. सो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देर मस्ट बी अ कंसिडरेशन एंड देर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन. Unlawful consideration नहीं होनी चाहिए. It might be an agreement, but it is not giving rise to any social or any legal obligation. Then we have the capacity of parties as our fourth essential. Capacity of parties or competency. कई दफा आप जो contract कर रहे होते हो, you are not capable of entering into a contract. For example, the parties are only competent to enter into an agreement if they fulfill these three conditions. One condition, that they have the age of majority. In Pakistan, the age is 18 years. In different countries, the age might be different, slightly different. So, 18 saal se badi age ke hain, tab aap contract kar sakte hain. आप 18 साल से कम हैं तो यू विल बी नोन एज माइनर एंड माइनर्स कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड, यू नीड टू बी ऑफ साउंड माइंड. साउंड माइंड मींस दैट यू आर केपेबल इनफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. तो फ्रॉड की बेस पे फिर लॉ उनको जो है वो डिस्क्वालिफाई कर देता है, अपने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आइंदा नहीं करने. सो ये जो है ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का. एट द सेम टाइम आपका जो रिटायर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो सीईओ था और वो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा था, तब तक तो ठीक है. द मोमेंट ही और शी इज रिटायर्ड, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी, दे डू नॉट हैव द कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
Then we have another essential, which is the free and genuine consent. Free and genuine consent is liye ke, for example, agar aap kisi se gun point pe sign karwa lete hain, to wo contract to nahi hua na, wo to actually uski jo consent thi, wo genuine bhi nahi thi, free bhi nahi thi, wo to apne forcefully usse sign karwaye hain. So aise contracts jo hain, wo bhi valid contracts nahi hote. There must be a free and genuine consent of the parties to the agreement. किसी किस्म का कोई pressure नहीं उनपे होना चाहिए. So there must be an absence of free consent, and these things are coercion. पहली बात coercion क्या चीज है कि अगर किसी बंदे को आपने force use करते हुए उससे sign करवाए हैं या उसको contract में लेके आए हैं. Let's suppose आपने gun point पे उससे साइन करवा ली है. दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देन यू हैव द अनड्यू इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जांपल एक किस्म का इमोशनल जो प्रेशर है, एक्सेसिव परसुएशन, इतना बार बार परसुएट करना उसको. फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स टू चाइल्ड, एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिजेस, तो उसमें ये आपको नजर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस. आपका फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं होता, बट स्टिल बिकॉज योर पेरेंट्स आर सेइंग और इस तरीके से, सो एक्सेसिव पर्सुएशन जब करते हैं तो दैट इज आल्सो नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस. वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल व्हेन वी स्टडी दिस चैप्टर. देन देयर इज अ फ्रॉड. अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से किया है तो उसमें भी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट नहीं होती. वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आप एक घर खरीदने गए हैं और वो घर एक्चुअली क्रैक्ड है, सो घर को पेंट कर देता है, और आप जब उससे पूछते हो कि ये घर ठीक है, तो कहता है ये 100% ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है. नोइंगली आपको वो गलत बात बताता है, नोइंगली, तो वो फ्रॉड है. उसकी इंटेंशंस इन्वॉल्व होती हैं आपको डिविएट करने में. एंड इसी से मिलती जुलती चीज होती है मिस रिप्रेजेंटेशन, बट इसमें इंटेंशंस इन्वॉल्व नहीं होती. फॉर एग्जांपल कोई कार है जो आपके फादर की कार है और बच्चा उसको ले जाता है और कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट करके बगैर अपने फादर को बताए उसको पेंट करवा के वापस ला के गैराज में खड़ी कर देता है गाड़ी. फादर को नहीं इस चीज का पता कि एक्सीडेंट कभी हुआ है. अब फादर किसी के साथ कोई डील करने लगते हैं गाड़ी की, और जो बायर है वो पूछता है कि कार एक्सीडेंटेड तो नहीं है. तो अननोइंगली फादर कहते हैं कि बिल्कुल भी एक्सीडेंटेड नहीं है, इट्स इन 100% गुड कंडीशन. जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, स्टेटमेंट तो गलत है, कार इज एक्सीडेंटेड, बट ही डजंट नो इट, ही डजंट हैव द अवेयरनेस, बट व्हाटएवर ही इज सेइंग इज नॉट ट्रू. सो इंटेंशंस इन्वॉल्व नहीं है. अन इंटेंशनली डिविएट किसी को आप करते हो तो दैट इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. And the last one is the mistake. Sometimes you do not understand something in the right way. For example, आप के गैराज में गाड़ी खड़ी की हुई आपने, और आप 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं. आप वहां अपने कोलीग से 10 बजे ये बात करते हैं कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, और आपका कोलीग कहता है ठीक है फाइन, मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, सब कुछ, एंड यू मेक ऑल द डील. 9 o'clock यहां से गाड़ी जो है वो चोरी हो गई है, बट यू हैव नो आइडिया, यू आर मिस्टेकन एंड यू मेक द कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो नॉट बी हैविंग फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट बिकॉज मिस्टेक हो रही है इसमें इन सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. देन वी हैव द लॉफुल ऑब्जेक्ट, विच मीन्स लॉफुल ऑब्जेक्टिव. Sometimes it is written as lawful object, but it means lawful objective. The objective of the agreement must be lawful. For
example, it should not be illegal, immoral, or opposed to public policy. Now, normally, if you rent a shop, it's a lawful contract, it doesn't have any problem. But agar aap isliye rent kar rahe hain shop, aapne wahan smuggled goods ko store karna hai, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ठीक है, बट जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जिस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट लॉफुल। या आप कहते हो कि घर रेंट करना है और उसमें आप ऐसे लोगों को बना दोगे जो किसी ना किसी केस में मुलव्वस हैं, तो घर रेंट करना इज फाइन, बट ऐसे लोगों को बना देना इज नॉट फाइन। सो इलीगल आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं होना चाहिए, और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यू आर गोइंग टू गिव 10,000 rupees टू समबडी एंड यू विल आस्क हिम और हर टू बीट सम अदर पर्सन, अगेन योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट राइट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। देन इट शुड नॉट बी इमोरल। इमोरल जो है वो इलीगल तो नहीं होता, बट इमोरल हो सकता है कई दफा। एग्जाम्पल, डिवोर्स करना इज योर लीगल राइट, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है, यू कैन डिवोर्स अगर आपको चीजें ठीक नहीं लग रही। बट अगर कोई आपसे ये प्रॉमिस करता है, कोई आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें 1,00,000 rupees दूंगा और तुम अपने स्पाउस को डिवोर्स कर दो, ये अब देखो डिवोर्स करना तो उसका लीगल हक है, इसमें इलीगल तो कोई बात नहीं, वो डिवोर्स कर सकता है, बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना इज इमोरल, which is not a lawful objective, and then it should not be opposed to public policy. Iski simple example ye ho sakti hai, dekhen witness, as a witness present hona a court mein is fine, aap ho sakte ho, koi aisa issue nahi hai. So agar aap kisi se ye contract karte ho ki aap usko paise doge, wo aapke liye witness, as a witness present hoga, so that is also opposing the public policy, which is not right. So the objective of the contract should always be a lawful objective. Then we have some contracts which are declared void, wo aap country mein nahi kar sakte. For example, A promises to pay 20,000 rupees to B if B closes down his business. It is not allowed because ye trade ko, competition ko khatam karta hai. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन मेनी कंट्रीज बेटिंग इज अलाउड, लीगल है, कोई इशू नहीं है, बट इन पाकिस्तान इफ यू प्रॉमिस टू पे समबडी, इफ पाकिस्तान विंस, यू आर गोइंग टू गिव दैट पर्सन 1,000 rupees, इसका मतलब ये है कि आप बेट लगा रहे हैं, इट इज नॉट अलाउड, दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड। वी हैव द सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। समटाइम्स जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहे होते हैं, वी आर नॉट क्लियर। फॉर एग्जांपल, ए प्रॉमिस बी टू सेल 20 बुक्स, बुक्स व्हिच बुक्स, एंड साथ आप कहते हो फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी, दिस सम अमाउंट ऑफ मनी एंड सम बुक्स इज नॉट सर्टन, तो क्लियर होना चाहिए कि कौन से बुक्स के टाइटल्स हैं और कितने पैसे की एग्जैक्टली आप बेच रहे होंगे। इफ इट इज नॉट क्लियर, तो ये जो है वो सर्टेनिटी नहीं आती उसमें। Possibility of performance. For example, बहुत दफा आप ये promise कर रहे हो तो किसे कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। Now this is a kind of performance which is impossible to be performed. Another example can be A promise to sell his house to B for 20,000 in 5 days, but third day पे जो घर है वो किसी ना किसी तरीके से burn हो जाता है, तो performance possible नहीं होती। Then there the last one is the legal formalities. इसका मतलब क्या है कि not all contracts are or can be verbal. Legal formalities का ये मतलब है कि कुछ contracts के लिए आपको कुछ legal formalities भी साथ fulfill करनी पड़ती हैं। For example, transfer of property जो है उसमें आप verbal नहीं कर सकते, उसमें आपको stamp paper पे लिखना है, दोनों लोगों को वहां present होना है, government officer के सामने दोनों को बयान देने हैं, दोनों को witnesses लेके आने हैं, दोनों साइन करेंगे, दोनों गवर्नमेंट की फी पे करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट के स्टैम्प पेपर पे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो कुछ
कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फॉर्मेलिटीज जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो डिफाइंड होती हैं. अगर वो लीगल फॉर्मेलिटीज आपने फुलफिल नहीं की तो इसका मतलब है आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है. सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.